हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यू लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल इज़ रिलेटेड विद, जो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए रियल इंटरनल डिस इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी पेक्यूनेरियल इंटरनल डिस इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी पेक्यूनियर एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है, जो डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल है ये रिलेटेड करता है रियल इंटरनल डिस इकोनॉमी के साथ। किसके साथ? रियल इंटरनल डिस इकोनॉमी के साथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रियल इंटरनल डिस इकोनॉमी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, सेलिंग कॉस्ट कंसेप्ट इज रिलीवेंट अंडर, जो सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट है वो किसके लिए रिलीवेंट है। तो ऑप्शन दिए हैं हमें, ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो इसका आंसर क्या है? तो जो सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट है ये रिलीवेंट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एंजल कर्व, एंजल कर्व से रिलेटेड क्या है। ऑप्शन नंबर है प्राइस कंजप्शन कर्व, ऑप्शन नंबर बी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर्व, ऑप्शन नंबर सी कंजप्शन कर्व, इनकम कंजप्शन कर्व, ऑप्शन नंबर डी सप्लाई कर्व। तो जो एंजल कर्व है उससे रिलेटेड है हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व। क्या रिलेटेड है इससे? हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द अनजम्पशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, इनमें से कौन सी है जो इंडिफरेंस कर्व की अनजम्पशन नहीं है। फर्स्ट है वीक ऑर्डरिंग, सेकंड परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट इनकम, ऑप्शन नंबर डी कार्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी। तो जो इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशन नहीं है वो है वीक ऑर्डरिंग। क्या है? वीक ऑर्डरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल इज प्रोपाउंडेड बाय, ऑप्शन नंबर ए मैरिस, ऑप्शन नंबर बी विलियमसन, ऑप्शन नंबर सी बोमल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल है ये दिया था बोमल ने। किसने दिया था? बोमल ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट और सोशल सेफ्ट शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज इंट्रोड्यूस बाय, एस ए वी सी सोशल सेफ्ट शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए हिक्स, ऑप्शन नंबर बी जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर सी स्टिगलर, ऑप्शन नंबर डी स्लट्सकी। तो जो सोशल सेफ्ट शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का कर्व है ये किसने दिया था? ये दिया था स्टिगलर ने। किसने? स्टिगलर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।